सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा सामाजिक विज्ञान क्लास 9 भूगोल के बारे में, यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर हम चर्चा करेंगे NCERT के हिसाब से। उसके लाइन वाइज लाइन हम चर्चा करेंगे किस तरह का ये पूरा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये बुक है हमारी, ये बुक का कवर पेज है। चैप्टर 1 के बारे में शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी का, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का, भारत आकार और स्थिति। चैप्टर 1। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हम ये जानते हैं कि भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में, दशक क्या होता है बच्चों, दशक का मतलब होता है 10 साल का एक दशक होता है, यानी कि पिछले 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण, यानी कि इन सब चीज़ों में भारत ने बहुत सारी तरक्की की है पिछले 50 वर्षों में। आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग 2 बराबर भागों में, आगे हम स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति की, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए मैप के माध्यम से, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। ये डिग्रीज होती हैं बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, ये डिग्रीज बनी हुई है ना पूरे वर्ल्ड मैप में, ये डिग्रीज के हिसाब से हर एक देश की अपनी डिग्री पर वो स्थित होता है। तो ये भारत भी इसमें बता रखा है कि पूर्व की तरफ से कितनी डिग्री पर है, पश्चिम की तरफ से कितनी डिग्री पर है, ये सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं। आगे देशांतर तक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बराबर बांटती है, 23 डिग्री हाफ, 30 को हाफ भी हम बोलते हैं, 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा है जो बच्चों भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार से हम ज्ञात करेंगे, आगे हम देखेंगे। तो इसमें जो बता रखा है बच्चों कि जो मुख्य भूभाग है, जो ये 2 बराबर हिस्सों में ये बांटती है कर्क रेखा, इसका जो मुख्य भूभाग है दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस के माध्यम से हम इसे आगे देखेंगे। अब आपको देखें, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि भारत की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, यानी कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2000 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था ये, ठीक है। सबसे दक्षिणी कोना क्या कहा जाता है बच्चों भारत का? इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा बिंदु। आकार की बात करें भारत की, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना बड़ा भू क्षेत्र हो गया भारत का। क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, यानी कि अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत के पास पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि जो पहले वाला चित्र था हम उसमें देख सकते हैं जैसे कि भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है वो। भारत की स्थल सीमा, स्थल क्या होता है बच्चों? लैंड। स्थल सीमा रेखा लगभग
15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा ऐसी तट रेखा जिससे समुद्र मिल रहा है। समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, स्थल सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर और समुद्र के साथ जो सीमा रेखा है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कहाँ पर बच्चों? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसका दक्षिण के भूभाग उत्तर में चौड़ा है, इसका जो क्या है दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। तो इसमें ये भी बताया गया साथ साथ बच्चों, जो दक्षिण का भूभाग है उत्तर में तो चौड़ा है, भारत है, जैसे एग्जांपल हम इसमें देखते हैं। अब देखो भारत दक्षिण में तो किस तरह है और उत्तर की तरफ चौड़ा होता गया है। ये देखो ये यहाँ से यूँ शुरू हो रहा है, यहाँ से तो यूँ है और ऊपर की तरफ यूँ चौड़ा होता जा रहा है ना, वही चीज़ की चर्चा इसमें हो रही है। साथ में ये भी बताया गया कि दक्षिण का जो भूभाग है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जा रहा है, यानी कि ऊपर से जब नीचे आते रहे हैं तो वो छोटा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, भारत के जो पश्चिम की तरफ है अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब आप इस मैप में देखें, पश्चिम में तो अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आगे इसमें बता रखा है चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश के देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसमें यह बताया गया है अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा की भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है। भारत का, पूरे भारत का एक निश्चित समय माना गया है। वैसे 2 घंटे का डिफरेंस है ऊपर से नीचे तक में, लेकिन एक स्थानीय मान माना गया है पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामियोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो 82 डिग्री हाफ है पूर्व देशांतर, वो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का किस पर प्रभाव पड़ता है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कि जो दिन और रात का समय है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी जो 82 डिग्री हाफ है पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामियोत्तर कहा गया है, यानी कि जो 82 डिग्री हाफ है वो एक मानक समय को भी बताती है भारत के। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? क्योंकि वो डिग्री का फ़र्क है बच्चों, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें पहले पहुँचेंगी और जो दूसरी जगह है वहाँ किरणें बाद में पहुँचेंगी, इसलिए 2 घंटे का वहाँ पर अंतर है। भारत तथा विश्व की बात करें तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? जो एशिया का भूभाग है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मतलब भारत ऐसी स्थिति में है कि इधर से केंद्र की स्थिति में, मतलब मेन स्थिति में है, ऊपर दक्षिण में भी और आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सब जगह से ये मेन स्थिति में है, एशियाई का, एशियाई हिस्से का भाग है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है
और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यानी कि जब स्वेज नहर जो है वो खुल गया उसका रास्ता, तो भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग में से जाने का रास्ता 7000 किलोमीटर कम हो गया। ये ऊपर डिग्री 37 डिग्री 6 है और नीचे 8 डिग्री 4 है। तो ये डिग्रियों के हिसाब से बच्चों समय का अंतर बदलता है। और देखिए बच्चों, दक्षिण से उत्तर की लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों मैप में किस तरह भारत का नक्शा दिखाया हुआ है। जो एशिया का भाग है भारत, भारत किस तरह से दूसरे देशों से संपर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का जरिया दिखाया गया, स्वेज नहर। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, यानी कि बहुत सी जगहों से होकर भारत में लोग यात्री आते थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। पहले समुद्री मार्ग सभी को ज्ञात नहीं था, ये समुद्री मार्ग तो 15वीं-14वीं शताब्दी में लोगों को पता लगा। पहले तो स्थल मार्ग के जरिए ही लोग आते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। यानी कि जो भारत की चीज़ें थी, जैसे उपनिषद होगी, भारत के विचार हो गए, भारत के रामायण पंचतंत्र की कहानियाँ होगी, अंक दशमलव यानी कि डेसिमल प्रणाली होगी, संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, भारत से कहाँ कहाँ विदेश ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारे और गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब देखो, हमारे देश से कुछ चीज़ें वहाँ पर गई और उनके देश से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर अपनी तरह बनाई, जैसे मीनार हो गई और गुंबद हो गई। ये भारत का स्टाइल नहीं था, ये विदेशियों का स्टाइल था, तो वहाँ से सीख कर यहाँ पर बना। आगे देखें, भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अब तो राज्य बदल चुके हैं और केंद्र शासित क्षेत्र भी बदल चुके हैं। अब भारत में बच्चों 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इसमें ये पुरानी किताब है, इसलिए इसमें पुराने हिसाब से लिखा हुआ है। अब कितने हो चुके हैं, 29 राज्य की जगह 28 राज्य हो चुके हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हो चुके हैं। आगे देखें, हम ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट के स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं को छूने वाले राज्यों के 4 भागों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के रूप में इन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इस तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। पाकिस्तान की सीमा कहाँ से मिलती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर।
भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। सन 1947 से पूर्व भारत के दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। यानि कि भारत के आज़ाद होने से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत हो गया और रियासत हो गई। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा यानी कि राजा महाराजों द्वारा पैतृकता के आधार पर होता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से भी किया जाता था। आगे बात करें, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं, राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव्स। ये देखिए मालदीव्स दिखाया हुआ है किस तरफ को है, मालदीव और श्रीलंका किस तरफ को है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है भारत कैसी अलग दिखाई देता है। ये देखिए भारत के पड़ोसी राज्य भी दिखाए गए हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब ये पूरा हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्न। कर्क रेखा जिस राज्य से गुजरती है या कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, नहीं पूछा गया, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सी है, 97 डिग्री 25 पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, नेपाल को। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, लक्षद्वीप। जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप में है। मेरे प्रिय मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। दूसरा है प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर में आपके कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में आपके कौन से अंडमान और निकोबार हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, वो डिग्री का फर्क है बच्चों, जबकि दोनों राज्य में घड़ी एक ही समय दर्शाती है क्योंकि मानक समय के हिसाब से बनाया गया है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से लाभ इस प्रकार प्राप्त होता है कि ऐसी स्थिति में भारत है कि अपने दक्षिण में किसी भी देश में जा सकता है, उत्तर में किसी देश में भी जा सकता है, व्यापार के माध्यम से भी ये अच्छा क्षेत्र है। तो आज हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है और चैप्टर को समझा है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।